Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Trends and Style. Viewers, जैसा कि मैं आपको स्टिचिंग और कटिंग सिखा रही हूँ, फिलहाल मैं कटिंग सिखा रही हूँ. स्टिचिंग में बता देती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन आप लोग को कटिंग स्टिचिंग तो बहुत सारे लोगों को आती है, लेकिन कटिंग नहीं आती. वो मोहताज रहते हैं दूसरे का, तो इसलिए जो है वो लोग जिनको स्टिचिंग आती है और कटिंग नहीं आती वो भी सीखें, और जिन आइडियाज़ भी लें, न्यू आइडियाज़ मैं देती रहती हूँ वो भी सीखें, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा. और मैं बहुत आसान तरीके से कोशिश करती हूँ सिखाने की, तो आप लोग ज़रूर सीखें. तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ. तो व्यूवर्स, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को आसान लग रहा है या नहीं. अगर आसान नहीं लग रहा तो मैं कोशिश करूँगी कि इजीली आप लोग सीख सकें. तो व्यूवर्स, आज मैं आपको बता रही हूँ कि बेल स्लीव्स सिखा रही हूँ, जो कि ऊपर से अम्ब्रेला स्लीव्स, सिर्फ अम्ब्रेला स्लीव्स होगी वो, और तीन कलर्स में होगी. एक कलर ये हम तीन कलर्स में सिखाएंगे, और ये हम तकरीबन बड़े लड़की का, बड़ी जो तकरीबन 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल हर हर मतलब उम्र की लड़कियों के लिए है. लेकिन स्पेशली जो इसकी लेंथ वगैरह लेंगे हम, वो बड़ी स्लीव्स की लेंगे, जो कि कोनी से ऊपर आएगी. ये मतलब कि कोनी से ऊपर होंगी, छोटी आस्तीन है ये, फुल आस्तीन नहीं है. हम चाहें तो फुल भी बना सकते हैं, लेकिन ये छोटी आस्तीन अच्छी लगती है. ये देखिएगा कि हम कटिंग किस तरह करते हैं. ओके व्यूअर्स, हमने इसकी लेंथ जो ली है तकरीबन 16 इंचेस जो है हमने इसकी लेंथ ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमने 16 इंचेस ली है. समझ लेंगे पतंग का जिस तरह पतंग होती है, इसी तरह हमने चकोर एक पीस लिया है, स्क्वायर में एक पीस लिया हमने के 16 इंचेस का. ओके व्यूअर्स, हमने इस तरह ये देखें, हमने इसको डबल किया. हमने दो आस्तीन कटिंग करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ. ये डबल किया हमने, तीन पीस जो है तीनों के तीनों इसी तरह ले, ये इस तरह किया, ये इस तरह रख दिया. दूसरा पीस भी हमने इसी तरह लिया, इस तरह, और दूसरा पीस भी बिल्कुल इसी के बराबर लिया हमने, और इस तरह हमने ये भी इसके ऊपर रख लिया है. और ये हमने तकरीबन इससे जो है, ये 16 इंचेस है तो ये तकरीबन हमारा है 14 इंचेस. या आप बिना, जितना आप छोटा करना चाहें बड़ा करना चाहें वो अपने हिसाब से रखिएगा. और ये हमने तीसरा जो है हमने कलर ये लिया है, और ये भी हम इसके ऊपर रखेंगे. हम इसकी जो ऊपर की कटिंग होगी वो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह होगी, जो बेल स्लीव्स सिखा चुकी हूँ. और ये हमने इससे ये 11 इंचेस मीन्स के हमने चार चार तीन तीन उंगल जो है छोटा रखा है. हम सबसे पहले इसको जो है कटिंग कर लेंगे. हम इसको थोड़ा सा इस तरह कटिंग करेंगे, जो ऊपर के मोंडे होंगे वो कटिंग करेंगे, स्लीव्स के स्लीव्स ऊपर से जो स्लीव्स होगी वो कटिंग करेंगे, सॉरी स्लीव्स जो होगी वो कटिंग करेंगे. ओके व्यूअर्स, हमने ये तीनों चीज़ें इस तरह रखी, और उसके बाद जो है हमने यहाँ से जो है ये देखिए कि 9 इंचेस जो है हमने 9 इंचेस से यहाँ से कटिंग करना है हमें, और फिर आप यहाँ से 9 इंचेस, और इस जगह से जो त्रिकोण है हमारी वहाँ से तकरीबन 6.5 इंचेस जो है हम यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह. ये हाथ रखकर थोड़ा सा हमें राउंड में लेना है, और ये थोड़ा सा हमें 5 इंचेस तकरीबन. और अगर आपका ये जो है जो ये वाली चीज है उसको आप जितना बड़ा रखना चाहें उस हिसाब से ये कपड़ा आप बड़ा रखेंगे और छोटा रखेंगे, या थोड़ा सा मैं और कटिंग करूंगी. ये हमारी कटिंग इस तरह हो गई, बिल्कुल बराबर तीनों रखकर, तीनों कपड़ा रखकर, तीनों कलर रखकर करने पड़ेंगे. और अब दूसरा जो हमारा हमारा काम है, अगर आप चाहें तो पहले भी आप यहाँ से राउंड में कर सकते हैं, और आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं. हम अब ये इस तरह कटिंग करेंगे. अच्छा व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो ये वाली चीज़ जो मैं पहले बेल स्लीव्स कटिंग सिखा चुकी हूँ, तो पहले भी ये कटिंग चीज़ें कर सकते हैं, और आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगी. ये मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ से की हमने, यहाँ निशान लगाया, यहाँ से की, और ये इस तरह हमने एक चीज़ और फोल्ड की, और यहाँ से इस तरह,
और आप चाहें तो बड़ी छोटी जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे कर सकते हैं। ये देखें, हम वही वाला हमारा स्टाइल होगा जो मैं पहले सिखा चुकी हूँ आपको। ये देखें व्यूअर्स, और इसी तरह हम दूसरी कटिंग भी हम इसी तरह करेंगे। चाहे तो आपने आपको और एक तरीका ये बता दिया है, दूसरी आस्तीन भी आप इसी तरह कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, यहां से जो है हमें बिल्कुल बराबर रखनी है। आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी, वैसे ज्यादा आसान है जो मैंने आपको तरीका बताया है। ये देखें, ये हो गई है बिल्कुल। और तीसरी जो है स्लीव्स है, आप इस तरह भी रख सकते हैं और वैसे भी काट सकते हैं। ये दूसरी स्लीव जो है, जो मैं बता चुकी हूँ, इस तरह भी काट सकते हैं आप। यहाँ रखें, निशान लगाएं, इसे फोल्ड करें, कपड़े को यहाँ निशान लगाएं, इसे फोल्ड करें, यहाँ निशान लगाएं, और यहाँ पर इस आप चाहें तो ये फोल्ड कर यहाँ पर भी निशान लगाएं। एक कटिंग यहाँ से कर लें। और दूसरी चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि ये हमने यहाँ निशान लगाया है, और फिर यहाँ से जो है, यहाँ से इस तरह निशान लगाते हुए हम इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये इजी लगती है तो ये देखें, इस तरह भी कर सकते हैं हम कटिंग। और तीसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप कटिंग कर रहे हो तो पूरे में अगर आपने गोल कटिंग करनी है तो इस तरह भी निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी कितनी खूबसूरत आस्तीन लग रही है। ये कटिंग हो गई है, ये इस तरह हमारी, मैं आपको रखकर बता दूं। ये देखें व्यूअर्स, कटिंग में आपको गोल दिखा देती हूँ। ये पूरी स्लीव जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारी ये पूरी स्लीव्स है जो कि बन गई है। अब इसको तीनों तीनों को साथ लगाकर आप यहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिएगा और फिर आस्तीन के मोंडों में जोड़ लीजिएगा। ये हमारी स्लीव्स बन गई है। और जितनी जिस तरह आप बनाएंगे, ये देखें, ये आप छोटी आस्तीन, बड़ी आस्तीन, बड़े बच्चों की, छोटी चाहे तो आप छोटी बच्ची का, बड़ी बच्ची का बना सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी स्लीव कटिंग हो गई है। और आप देखते जाइए और बनाते जाइए आप ये डिजाइन। और इसमें चाहें तो आप यहाँ पर फ्रिल लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पाइपिंग लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लेस या टसल लगाकर और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। ये बहुत हसीन और खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह। आपको कटिंग और ये स्टिचिंग अब में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजिली आप कटिंग भी कर लेंगे, सी भी लेंगे इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें और मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हंसते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।